हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारे का अपने चैनल पर अमन शरीर टिप्स से। तो दोस्तों, नौवीं जमात का जो थोड़ा इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजी का फाइनल एग्जाम होना 2023 का, अज की वीडियो आप सॉलवर्ड सैंपल पेपर करवावे। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इस होने वाले ने, इन्हों पेपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आने, इस करके इन्होंने चंगी तरह याद करके जरूर जाना जिस पेपर है। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ने, सारा सॉलवर्ड सैंपल पेपर करवावे फुल सोल्यूशन के नाल। चलो फिर तुम अगर करवाने, तो जेकर तुम अपने चैनल से दोस्तों नवे आए हो, चैनल जरूर सबसक्राइब कर लेना, बैल आइकन ऑन करके रख लेना, क्योंकि जेडे थोड़े नौवीं क्लास के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, सारे तैयारी तुम अपने चैनल से करवावे फुल सॉलिड वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाल। तो अगे भी जो पेपर होंगे रहने, सारे तैयारी तुम अपने चैनल से करवाते रहेंगे। बाकी PSC वालों कोई भी न्यूज़ आते, तो सब तो पहले अपडेट्स अपने चैनल से मिलते रहनी है। टैलीग्राम से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। जो कोई डाउट होंगे अपने इंस्टाग्राम से मैसेज करके पूछ सकते हो, तो भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जूगा। हाँ जी दोस्तों, चलो फिर ज्यादा समा ना बर्बाद करते हुए तुम्हें करवाने आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सब तो पहले तो आ जाऊ सैक्शन ए दोस्तों, 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का टाइम होगा। और सब तो पहले तो आज दोस्तों रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन फॉलो, यानी कि दोस्तों एक पैरा आजगा सब तो पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट, जी आप पहला एक दो वीडियो पाई है नौवीं क्लास की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उस तरह ही जो सॉल्वर सैंपल पेपर है। सब तो पहले तो 5 नंबर का एक दोस्तों पैरा आएगा, उस पैरे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आ सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिमें कि इस पैरे में पहला क्वेश्चन पूछा गया, वाई विल द न्यू कार्स बी डिवलप्ड। हाँ जी दोस्तों, यदा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ टूडे। ठीक है, इस तरह जो आंसर ने अपने इस विचों लगे हुए हैं, सारे आंसर लगे हुए हैं, तुम देख सकते हो। दूजा अपने क्वेश्चन है, हू इज़ गोइंग टू डिवलप दैम। यह आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने द स्टूडेंट्स ऑफ लंडन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट। इस तो अगर थर्ड अपना क्वेश्चन है, हाउ विल द फ्यूचर कार्स बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वंस। हाँ जी दोस्तों, यदा आंसर है, दे विल बी ड्राइवन बाय कंप्यूटर्स। तो करके अलग होनी है। इस तो अगर अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द ड्राइविंग ऑफ कार्स बिकम सेफर एंड ईजीअर इन द 2030। हाँ जी दोस्तों, यदा आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपना बिकॉज द कार्स विल बी ड्राइवन बाय कंप्यूटरस, जी कार्स कंप्यूटर द्वारा चलनगियाँ, तो करके आसान होनगियाँ। इस तो अगे द फ्यूचर कार्स विल लीव द एनवायरमेंटल क्लीन हाउ, दे वॉन्ट गिव आउट एनी फ्यूम्स। यदा आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तो अगे आजगा अपना वे पार्ट बी दोस्तों, स्टडी द गिवन बारग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 5 नंबर तो यह आऊगा दोस्तों, कोई तुम बारग्राफ दे देंगे बना के, या फिर कोई फोटो दे सकते हैं पिक्चर, उस क्वेश्चन पुट करेंगे तो आंसर लभने ने फोटो विचों या फिर बारग्राफ विचों। ये बारग्राफ पूछे गए हैं, फॉर वट परपस इज़ द पोस्टर डिजाइंड। पोस्टर है एक दोस्तों, टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ये दोस्तों पोस्टर सीगा टू प्रमोट एजुकेशन फॉर गर्ल्स। बाकी जो भी तुम्हें आऊगा उस तरह तुम आंसर लिख देना पोस्टर देख के। इस तो अगर सैकेंड क्वेश्चन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव डैश टू एजुकेशन इक्वल राइट्स। ठीक है, इस तो अगर हाउ कैन द नेशन प्रोग्रेस वी एक्सलरेटेड। यदा आंसर है बोथ ए बी। ठीक है, बाय एजुकेटेड एटिंग बॉयज एंड बाय एजुकेटिंग द गर्ल्स। इस तो अगर नैक्सट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट डैश द गर्ल्स देयर राइट्स डैनी। ठीक है, डैनी द गर्ल्स। इस तो अगर दिस पोस्टर टीचस अस टू स्टॉप द ईवल ऑफ फीमेल होटसाइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तो अगर आजगा सैक्शन बी दोस्तों, अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आ गए। ये दोस्तों थोड़े लगे आ गए जेडे थोड़ू चैप्टर करवाए हुए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ने, इन्हों याद करके जरूर जाए दोस्तों जिस दिन थोड़ा यह पेपर है कल न, होर जो थोड़े पेपर हो रहे हैं सारे तैयारी तुम अपने चैनल पर करवावे। चैनल में जो तुमने सबसक्राइब हाले भी नहीं कर, चैनल में दोस्तों जरूर सबसक्राइब करके ना लगी बैल आइकन ऑल नोटिफिकेशन से सैट करके रख लेना, क्योंकि सारे पेपर फाइनल पेपर की तैयारी तुम अपने चैनल पर करवावे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाल। टैलीग्राम से दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लियो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जूगा। टैलीग्राम से तुम सब तो पहला अपने चैनल बारे PSC वालों कोई न्यूज़ आती है पंजाब स्कूलों बारे सब तो पहला अपडेट्स टैलीग्राम से तुम मिल जाए करनगियाँ। और इंस्टाग्राम से दोस्तों अपन फॉलो कर लियो, वह भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, उत्थे भी तुम अपडेट रहा करोगे अपने नाल। बाकी कोई
अपडेट आते तुम उत्थे भी प्रोवाइड करता करा तुम कोई डाउट हों अपन डायरैक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। परसनल इंस्टाग्राम आई डी अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन है। इस तो अगे दोस्तों तुम अगे करवाने आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिमें कि दोस्तों पहला अपना क्वेश्चन है वाई डज लिनकोल्न नॉट वॉन्ट हीज सन टू बी कडल्ड। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों अकॉर्डिंग टू लिंकन वन बिकम्स टफ ओनली बाय पासिंग थ्रू द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, सो दैट इज वाई ही डज नॉट वॉन्ट हिज सन टू बी कडल्ड। इस तो अगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लवे सैकेंड, विच टू कंट्रीज हैड वर्कड आउट प्रोग्राम्स फॉर द एक्सपलोरेशन ऑफ द मून। ये दोस्तों आंसर है द USA एंड द USSR। इस तो अगे आएगा अपना तीजा क्वेश्चन, बोस ग्रेजुएटड फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। यदा आंसर दोस्तों आएगा भी कि यूनिवर्सिटी चो पढ़िया सी। हाँ जी दोस्त, यदा आंसर आएगा अपन लवे ऑप्शन नंबर ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मी बाई वॉज बोर्न इन वाराणसी, ट्रू या फॉल्स। ट्रू दोस्तों, वाई वर देयर नो मैन इन द विलेज, ऑल मैन ऑफ द विलेज हैड गोन टू द जंगल विद अ हंटिंग पार्टी दैट वॉज बाई देयर वर नो मैन इन द विलेज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन चो थोड़े पेपर च बहुत सारे आने इस करके नाल दी नाल याद कर लेना। वाई डिड द बॉय गो टू द फार्मर, द बॉय वॉज वेरी पुअर, ही वॉज इन सर्च ऑफ वर्क, दैट वॉज वाई ही वेंट टू द फार्मर। इस तो अगे अगला क्वेश्चन है चेना लिव्ड विद हिज वाइफ एंड डैश चिल्ड्रंस, यदा आंसर है फोर चिल्ड्रंस। इस तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाई डिड सुशील चंद्रास नेबर्स गैट एंगरी विद हिम, यदा आंसर है सुशील वॉज नॉट सो वैल बिहेवड, ही वुड कीप प्लेइंग प्रैंक्स, इट इरीटेटड हिज नेबर्स। इस तो अगर आजूगा अपने दोस्तों सैक्शन सी इंग्लिश टैक्सट बुक। हाँ जी दोस्तों, ये थोड़े लिए आया है इंग्लिश मेन कोर्स बुक विचों प्रोस, तुसीं देख सकते हो। सब तो पहले थोड़े लिए इस विच क्वेश्चन आने शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पांच जो तीन करने ने, ये दोस्तों शायद थोड़े लिए आने दो दो नंबर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। इस तो अगे इस विच पहला दोस्तों क्वेश्चन हैगा वट शुड वन बिहेवियर ऑफ, इस तो अगे इन्होंने चैप्टर के नाम भी लिखे हुए तुसीं देख सकते हो। आंसर है वन शुड बी वेयर ऑफ द फ्लैटर्स। इस तो अगे आजूगा पहला नैक्सट क्वेश्चन वट गुड द इंस्ट्रूमेंट मैजर प्लांट्स ऑलसो ब्रीथ एंड फील, इस चैप्टर चो आया। इसका आंसर है इट गुड मैजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज मनी कंसिडर्ड सो इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है इट इज़ सैड that money makes the mare go, that is why money is considered important. इस तो अगे when and where was Lakshmi by born, she was born on 16 November 1834 in वाराणसी। इस तो अगे वाराणसी। इस तो अगे what did the farmer ask the boy to do, यदा आंसर है the boy was very poor, he was in search of work, that was why he went to the farmer। इस तो अगे आ गया दोस्तों अपना भी लोंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आ गए, दो चो एक करना है, ये लिए आऊगा तीन मार्क्स का। पहला हैगा लिस्ट द क्वालिटीज़ विच मेक अ गुड ह्यूमन, यदा आंसर है द फॉलोइंग क्वालिटीज़ मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग, ओनेस्टी, कवरेज, पेशेंस, ट्रूथफुलनेस, फेथ इन ओन सैल्फ, फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड। नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन है वाई इज़ द बजटिंग ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एट आर डिस्पोजल, बट द वर्क वी हैव टू डू इज़ वेरी लोंग, लाइफ टूडे हैज़ बिकम वेरी फास्ट, एवरी मूमेंट्स हैज़ बिकम प्रीसियस, देयर फॉर द बजटिंग ऑफ टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। इस तो अगे आजूगा दोस्तों अपना चौथा इंग्लिश मेन कोर्स बुक विच्चों पोएट्री सेंटेंजा आ गए दोस्तों अपन लवे तीन चो दो करने ने, तुसी देख सकते हो। ये पहला हैगा अपन लवे अ नाइटिंगेल, ए आ गया दोस्तों नाइटिंगेल दैट ऑल डे लोंग। ठीक है, इस विच पहला क्वेश्चन है वट डिड द नाइटिंगेल डू ऑल डे लोंग, इहदा आंसर है द नाइटिंगेल सेंग द होल डे लोंग।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਹੀ ਸਟੋਪ ਸਿੰਗਿੰਗ? ਹੀ ਸਟੋਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਾਰਕ, ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਾਰਕ। ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਈਟਿੰਗਲ ਸਿੰਗਿੰਗ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਿਲੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਪਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਦਾ ਗੋਡ, ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦ ਪੋਇਟ ਸੀਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਆਈਡਲਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਬਿਕੋਸ ਗੋਡ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਟੈਂਪਲਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ ਬਾਏ ਚੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ ਬਾਏ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਬੀਟਸ, ਹੀ ਲਿਵਸ ਅਮੰਗ ਪੂਅਰ ਲੇਬਰਸ, ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਐਂਡ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਪੂਅਰ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਗੋਡ। ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਜੂ ਆਪਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਓ ਮੱਚ ਡਿਡ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਪੇ ਐਂਡ ਪੇ ਹਿਮ ਐਂਡ ਵੈਨ? ਦ ਫਾਰਮਰ ਪੇਡ ਹਿਮ ਓਨਲੀ 3 ਕਾਪਰ ਕੋਇਨਸ ਆਫਟਰ 3 ਈਅਰਸ, ਦ ਬੋਏ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਫਾਰਮਰ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਵੇਜਿਸ, ਦੈਨ ਦ ਫਾਰਮਰ ਗੇਵ ਹਿਮ 3 ਕਾਪਰ ਕੋਇਨਸ ਐਜ ਹਿਜ਼ ਵੇਜਿਸ ਫੋਰ 3 ਈਅਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣ ਲਵੇ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਔਨ ਸੈਟਰਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਕੀਪ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਡੇ ਐਟ ਦਾ ਬੋਸਿਸ, ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੇਡ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਟਮੇਚ, ਦ ਫਾਦਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੁਸ਼ੀਲਸ ਟ੍ਰਿਕ, ਹੀ ਗੇਵ ਹਿਮ ਬੀਟਰ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟੂ ਡਰਿੰਕ, ਦੈਨ ਹੀ ਲੋਕਡ ਹਿਮ ਇਨ ਅ ਰੂਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦਾ ਚੀਨਾ ਲੀਵ ਹਿਜ਼ ਹੱਟ? ਚੀਨਾ ਫੇਸਡ ਦਾ ਫਲੱਡ ਫੋਰ 2 ਨਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡੇ, ਬਟ ਦਾ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਦਾ ਹੱਟ ਕੁਡ ਗੋ ਡਾਊਨ ਦ ਵਾਟਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਚੀਨਾਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ 4 ਕਿਡਸ ਵਰ ਆਲਸੋ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਕੋਟੇਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਦਰ ਨੋਟ ਕੀਨ ਟੂ ਵੀਅਰ ਦਾ ਸੂਟ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦਾ ਓਦਰ ਡਿਡ ਨੋਟ ਨੋ ਦ ਵਾਈ ਆਫ ਇਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਨ ਇਨਰ ਫੀਲਿੰਗ, ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਵੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਐਂਡ ਆਪਣ ਲਵੇ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਲੈਂਕੋ ਗੋ ਆਊਟ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਟ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟਡ ਰੇਨਿੰਗ, ਲੈਂਕੋ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਰੇਨ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੋਡੀ, ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਦ ਰੇਨ ਡਰੋਪਸ ਫੋਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕਾਈ, ਹੀ ਕਾਲਡ ਦੈਮ ਨਿਊ ਕੋਇਨਸ, ਹੀ ਸੈਡ ਦ ਬਿਗ ਡਰੋਪਸ ਆਰ 10 ਸੈਂਟ ਪੀਸਿਸ ਐਂਡ ਦ ਟਾਈਟਲ ਵੰਸ ਆਰ ਦ ਲਿਟਲ ਵੰਸ ਆਰ 5s। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਜੂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਟੈਸਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਡੈਸ਼ ਯੈਟ, ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੈੱਟ SET। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਸਨੋਨੀਅਮਸ, ਅਲੋ ਪਰਮਿਟ, ਕਰੈਕਟ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟੋਨੀਅਮ, ਐਕਸੈਪਟ, ਰਿਜੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਈ ਆਪਣਾ ਲਵੇ, ਗਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਮੇ ਗੋ ਹੋਮ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ। ਕੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਜ਼ ਹੀ ਸਿੰਗ ਸੌਂਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਨੋਇਜ਼, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੇਨਿੰਗ ਸਿੰਸ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਰੀਟ ਹਿਮ ਜੈਂਟਲੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਬੀ ਵੇਅਰ ਟੂ ਆਫ ਟੂ ਮੱਚ ਸਵੀਟਨੈਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਸ ਵਾਜ਼ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਰੇਬਲ, ਬੋਸ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਲਾਗਤ ਵਾਜ਼ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਵੇ, ਕਲਾ ਘਾਟ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ,
इस तो कि दोस्तों आप लोग ग्रामर आ गई, तुसी देख सकते हैं डू एज डायरेक्ट डैश फ्रेंड्स शी वो हैज आर ऑल इन सिंसियरेज, इसका आंसर है असमझ फॉर अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, इस तो अगर हैव यू गॉट डैश बटर, यह आंसर है डिटरमिनर भरना है, हैव यू गॉट एनी बटर। इस तो अगर शी डैश स्पीक इंग्लिश वैन शी वॉज हार्डली फोर शी कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तो अगर चौथा अपना वे डैश यू फिनिश दिस वर्क इन टू हार्स यू कैन यू। ठीक है, कैन आवेगा इतने वी आर थैंकफुल डैश गॉड एंड डैश हिज ब्लैसिंग, प्रपोजिशन भरनी है अपने टू गॉड फॉर हिज ब्लैसिंग्स। इट इज़ अ वीक डैश द होलीडेज बिगिन, इतने अपने कंजक्शन भरनी है इट इज़ अ वीक सिंस द होलीडेज बिगिन। ठीक है, इस तो द पेशेंस हैड डाए द डॉक्टर केम बिफोर, हाँ जी दोस्तों द पेशेंट हैड डाए बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह ही भरने ने तुसी देख सकते हो। इस तो अगे प्लीज़ टैल मी वेयर आई कैन फाइंड गुड स्वीटर्स, पिक आउट द नाउन क्लॉज, आंसर है डैश वेयर आई कुड फाइंड गुड स्वीटर्स। इस तो अगे दोस्तों तुसी देख सकते हो पिक एडजेक्टिव क्लॉज, द बुक आई बॉट यस्टरडे इज़ मिसिंग, आई बॉट यस्टरडे डैश आई बॉट यस्टरडे डैश। इस तो अगे दोस्तों ही इंजर्ड हिमसैल्फ, ही वॉज अलाइटिंग फ्रॉम बस यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज, इसका आंसर है ही इंजर्ड हिमसैल्फ वाइल ही वॉज अलाइटिंग फ्रॉम द बस। इस तो अगे आ गया दोस्तों रीड द फॉलोइंग पैसेज, थ्री मार्क्स का टोटल भी ये आऊगा दोस्तों, पैसेज अपने पढ़ना है तो आंसर लिखने ने, तुसी देख सकते हो रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट इट्स पॉइंट ओनली यूजिंग हैडिंग एंड सब हैडिंग्स, एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइजिंग हैल्थ डिसएडवांटेजेस, हाँ जी दोस्तों इस तो ने तुसी देख सकते हो डिसएडवांटेजेस ऑफ लेट राइजिंग, वर्क टिल लेट इन द इवनिंग गो विदाउट मॉर्निंग एक्सरसाइज, वर्क नॉट डन प्रॉपरली ए डिसएडवांटेजेस ने, बर्निंग मिडनाइट ऑल बैड फॉर हेल्थ बैड हेल्थ पुअर क्वालिटी ऑफ आर वर्क, या फिर ऑप्शन आई है तो या फिर ये कर सकते हो दोस्तों। इस तो गए आजू आप लगे राइट अ पैराग्राफ एनी वन, 10 to 12 लाइन च दोस्तों ये करना, तो उन्हें पैराग्राफ तुम हिंट दिता जाऊगा जिमें कि आ 2-3 लाइन च हिंट दे रखे तुम्हें, यह आपने आंसर कराया होया इंडिया इज माई मदरलैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर लिवस इन द विलेज, ये दोस्तों अपने हिंट दिता हुआ हिंट तो अपने पैराग्राफ बनाया। ठीक है, तुसी एक बार पढ़ लियो, ये भी आ सकता है इंपोर्टेंट है, या फिर ये भी आ सकता है द सीन एट द इलेक्शन बोथ आउटलाइन। इस तो अगे आ गया दोस्तों इनविटेशन टू योर ब्रदर मैरिज सपोज यू आर मनीष कुमार, इस दोस्तों तो ने लैटर लिखनी है टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर मैरिज, ये दोस्तों किस तरह लिखनी है तुसी देख सकते हो, माई डियर रोहन यू विल बी अ ग्लैड, तुम दिखा देने आप दोस्तों सारा लैटर भी किस तरह लिखना इंपोर्टेंट, या फिर तुम आह लैटर लिख सकते हो दोनों चो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये भी लैटर आ सकते हैं, इन्होंने याद कर लियो जिस दिन थोड़ा ही पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट लैटरस ने। बाकी दोस्तों आप तुम्हें करवाता है फुल सॉल्व सैंपल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जेकर तुम अपने चैनल से दोस्तों नवे आए हो चैनल सबसक्राइब नहीं कर चैनल दोस्तों जरूर सबसक्राइब कर लेना अते नाल ही बैल आइकन ऑन करके रख लियो ऑल नोटिफिकेशन ते, क्योंकि जब भी आप थोड़े पेपर की रिवीजन अगे करवा रहे हैं सारे पेपर की फाइनल पेपर की नौवीं क्लास की, ताकि जब भी आप वीडियो पाइए नोटिफिकेशन सब तो पहले थोड़े तक पहुँच जाए। वीडियो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दो, तुम्हें यह पेपर वधिया लगे फुल सॉलिड इंपोर्टेंट क्वेश्चन नाल, लाइक कर दो वीडियो वध तो वध शेयर कर दो अपने दोस्तों मित्रों तक, तो टैलीग्राम पर अपन ज्वाइन कर लो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन से अपने टैलीग्राम चैनल का, तो सब तो पहले टैलीग्राम पर अपने चैनल बारे पी एस सी बारे कोई अपडेट होंगे तो सब तो पहले अपडेट कर दिया करा, उसे तुम सब तो पहले न्यूज़ मिल जाए करूगी। और दोस्तों अपन इंस्टाग्राम से जरूर फॉलो कर लियो, लिंक डिस्क्रिप्शन से अपने परसनल आई डी का, जो तुम्हें कोई डाउट होंगे अपन परसनल मैसेज करके पूछ सकते हो, तुहाडा रिप्लाई आप जरूर करा। थैंक्स, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल कर लियो सबसक्राइब, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाल अगले पेपर नाल।